नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं आजकल सभी यूथ इंस्टाग्राम का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। तो दोस्तों, इंस्टाग्राम से किस तरह से मोनेटाइज हो सकता है और किस तरह से कमाई हो सकता है, इसी बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, इंस्टाग्राम में कमाई करने के लिए जो नंबर वन उसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके लिए आपको नंबर वन उसकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए। नंबर टू, फॉलोअर्स की संख्या। अधिकांश मोनेटाइजेशन सुविधाओं के लिए आपके पास पर्याप्त संख्या में फॉलोअर्स होने चाहिए। उदाहरण के लिए ब्रांडेड कंटेंट और शॉप्स के लिए कोई विशिष्ट संख्या नहीं है, लेकिन एक प्रभावशाली दर्शक आधार आवश्यक है। नंबर थ्री, सामग्री दिशा निर्देश का पालन। इंस्टाग्राम के सामुदायिक दिशा निर्देश और कंटेंट मोनेटाइजेशन नीतियों का पालन करना अनिवार्य है। इसमें स्पैम, हिंसा, अश्लीलता और भ्रामक सामग्री से बचना चाहिए। नंबर फोर, इस मोनेटाइजेशन के सुविधा को उपयोग करने के लिए उस अकाउंट होल्डर को उस देश में अकाउंट होना चाहिए जिस देश में इंस्टाग्राम की सुविधा उपलब्ध है। नंबर टू, मोनेटाइजेशन के तरीके। ब्रांड के साथ में साझेदारी करके प्रायोजित पोस्ट बना सकते हैं या इस पोस्ट को स्टोरेज में डाल सकते हैं, और ब्रांडेड कंटेंट का टैग को उस जहां पर आप जो कंटेंट बना रहे हैं उसमें उस टैग को वहां पर मेंशन करना एकदम ही कभी ना भूले। नंबर टू, IGTV विज्ञापन, IGTV एड्स। IGTV वीडियो में विज्ञापन जोड़कर कमाई करना। एलिजिबिलिटी, आपके पास एक क्रिएटर या बिजनेस अकाउंट होना चाहिए और इंस्टाग्राम की योग्यता आवश्यकता को पूरा करना चाहिए। इंस्टाग्राम लाइव पेजेस, लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान दर्शक वेज खरीद सकते हैं जो पैसे के रूप में परिवर्तित होते हैं। एलिजिबिलिटी, आपके पास पर्याप्त फॉलोअर्स होने चाहिए, इंस्टाग्राम के अन्य आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। नंबर फोर, शॉपिंग फीचर्स। अपने उत्पादों को इंस्टाग्राम में बेचने के लिए शॉपिंग टैग या शॉप टैग या शॉप का इस्तेमाल करें और अपने प्रोफाइल में शॉप टैग लगाना ना भूलें। नंबर फाइव, एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट लिंक और प्रमोशन के माध्यम से कमीशन कमाएं। प्रोडक्ट रिव्यू और अनुशंसाएं पोस्ट करें। नंबर थ्री, मोनेटाइजेशन के नियम और दिशा निर्देश, कम्युनिटी गाइडलाइंस। इंस्टाग्राम वीडियो में वीडियो डालने के वक्त को ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें कोई हिंसा, स्पैम या भ्रामक कोई चीज़ को आप तो नहीं फैला रहे हैं। इस पर आपको फॉलो रखना है और कम्युनिटी गाइडलाइन जो इंस्टाग्राम के द्वारा निर्देश बनाया गया है उसको आपको फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। नंबर टू, बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। कॉपीराइट और ट्रेडमार्क कानूनों का पालन करें। अन्य लोगों की सामग्री का उपयोग बिना अनुमति के ना करें। नंबर थ्री, ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता। ब्रांडेड कंटेंट अगर आप अपने वीडियो में क्रिएट कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको वहाँ पर बताना होगा या टैग लगाना पड़ेगा कि ये ब्रांडेड कंटेंट है, इसको आप ना भूलें, ये लगाना बहुत जरूरी है। अकाउंट एक्टिविटी नंबर फोर, आपका अकाउंट सक्रिय और एंगेजमेंट से भरा होना चाहिए। इंस्टाग्राम पर निष्क्रिय या स्पैम अकाउंट मोनेटाइजेशन के लिए अयोग्य होते हैं। नंबर फोर, आपके कंटेंट की क्वालिटी या सामग्री की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। नंबर वन, गुणवत्ता। आप जो कंटेंट का बनाने जा रहे हैं उसका कंटेंट बहुत ही हाई क्वालिटी का हो और अट्रैक्टिव हो और उच्च गुणवत्ता वाले हो, जिसके माध्यम से आप अच्छे तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। आपका जो पोस्ट है ये भी अच्छी हो, आप पोस्ट जो पोस्ट वीडियो कर रहे हैं जो वीडियो पोस्ट कर रहे हैं वो भी अच्छी गुणवत्ता वाली आकर्षक होना चाहिए।
नंबर टू, कंसिस्टेंसी, नियमित और सुसंगत रूप से सामग्री पोस्ट करें। एक निश्चित शेड्यूल बनाए रखें ताकि अपने फॉलोअर्स जान सके कि कब नई सामग्री आएगी। नंबर थ्री, एंगेजमेंट। तो दोस्तों, आपके इंस्टाग्राम में जो फॉलोअर्स है उसको सक्रिय रूप से उसके संवाद करें, कॉन्वर्सेशन करें, और जो वो कमेंट करते हैं उसका उत्तर दे, और साथ ही साथ में जो आप लाइव सेशन को आयोजित करें और जो पोस्ट डालते हैं उसमें क्वेश्चन आंसर का सिस्टम भी रखें, और इस तरह से आप अपने जो इंस्टाग्राम वीडियो है उसमें अपना इंगेजमेंट, जो ऑडियंस का इंगेजमेंट है वो आप ला सकते हैं। प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी, अपनी सामग्री में प्रामाणिक और विश्वसनीय रहे, नकली फॉलोअर्स या लाइक्स ना खरीदें। नंबर फाइव, एप्लीकेशन एंड अप्रूवल। नंबर वन, कुछ इंस्टाग्राम में कुछ सुविधाओं को पाने के लिए आपको इंस्टाग्राम में एप्लीकेशन डालना पड़ता है, जैसे कि IGTV के लिए आपको एप्लीकेशन डालना पड़ेगा, तभी आपको इस सुविधा का लाभ मिलेगा, और लाइव बेजेस के लिए भी आपको एप्लीकेशन डालना पड़ेगा, तभी आपको ये सुविधा मिलेगा। नंबर टू, इंस्टाग्राम आपके खाते सामग्री की समीक्षा करेगा, सभी आवश्यकताओं को पूरा करने पर आपको मोनेटाइजेशन सुविधा दिया जाएगा। सभी रूल्स और क्राइटेरिया को फॉलो करके कोई कंटेंट क्रिएटर अपने इंस्टाग्राम आईडी में मोनेटाइजेशन को ऑन करा सकता है, और इसी के साथ अपना जो डिजिटल उपस्थिति है उसमें अपना भागीदारी दे सकता है। तो दोस्तों, इसी तरह वीडियो के लिए आप मुझसे जुड़े रहें और फॉलो करना एकदम कभी नहीं भूलें। धन्यवाद।